नागालैंड पहाड़ी वादियों में संस्कृति के वटवृक्ष को और भी विशाल बनाता एक राज्य, जिसका जनजीवन इतना निराला है कि आज भी इसके लोक संस्कृति को देखने लोग दुनिया भर से आते हैं। भारत भूमि पे अपनी अलग छाप छोड़ने वाला ये राज्य जाना जाता है अपने अजीबोगरीब खाद्य संस्कृति के लिए। तो चलिए आज इसी खानपान को हम करीब से जानेंगे, जहां मैं खुद यहाँ के व्यंजनों का आस्वाद लेकर आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा अनुभव। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नागालैंड सीरीज की ये तीसरी वीडियो है, इससे पहले वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उन वीडियोस को भी जरूर देखें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली खाए जाते हैं, सुन के बड़ी घिन आती थी, पर असल में हमारे लिए ये अजीब होगा, पर उनके लिए वो उनके संस्कृति का हिस्सा है, उनका आहार है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। मेरा खुद का मानना तो यही है कि असली ट्रैवलर वही है जो वहाँ जाके वहाँ के रहन सहन को अपनाए, जिसमें वहाँ का ऑथेंटिक फूड कल्चर बेहद ज़रूरी है, और ऐसे ही वो उस डेस्टिनेशन को सही मायने में एक्सप्लोर कर सकता है। चलो शुरुआत करते एक उम्दा वाइन से, राइस बियर, या फिर जिसे स्थानीय भाषा में झुतो कहते हैं। नागालैंड में ये इतना लोकप्रिय है कि इसके अलावा हर जश्न अधूरा है। यहाँ पे राइस बियर सर्व किया जा रहा है, देखते हैं आज इसका ट्राई करके। तो यहाँ पे हमें ये राइस बियर सर्व की थी, तो कैसे लगे तुम्हें? सही है, हमने कल रात को भी पिया था, बट इट वॉज नॉट सो गुड एंड दिस इज सुपर्ब एंड दे सर्वड इन ऑथेंटिक बैम्बू कप। And these people are very nice. They just ask you to come and let's offer everything that they have. So it's nice. Taste kaisa tha? Yeah, taste is nice. It's like क्या बोल सकते हैं? थोड़ी सी खट्टा सा इसमें ना? हाँ, थोड़ा सा खट्टा सा। लेकिन tasty है? Tasty है and it's very light. Light in the sense it's easily consumable. और ऐसा कुछ लग रहा है, कहते हैं नाम में राइस बियर, तो बियर जैसे कुछ नशा वगैरह कुछ है? हाँ, अभी थोड़ा सा नशा है इसमें, क्योंकि कल जो हमने पिया था और उसमें भी थोड़ा डिफरेंस, वही बोल रहा था मैं। That is good and this is good actually. मतलब झूम बराबर झूम है, झूमना भी बाकी है, झूमना बाकी है। जब झूमेंगे तभी बताएंगे, because it's just a start and this is the first cup we had. Okay. रेशम का कीड़ा सिर्फ रेशम देता है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्निंग से ऐसा कुछ खा रहे जो कभी खाया नहीं था, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। और अभी बात ऐसी है कि नागालैंड में आए हैं, ये सब ट्राई करना बनता था, मैं यही सोच के आया था यहाँ पे। अब तक मैंने पे टीवी पे देखा था कि इसे बियर ग्रिल खाता है चबा चबा के, तो ये कच्चा तो नहीं है, पका हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वियर्ड है इसको खाना। अभी तक मैंने इसका बाइट लिया नहीं है। ओके गाइस, दिस इज अ सिल्क वर्म, इट्स मेड विद बैम्बू शूट, जिंजर, गार्लिक and naga chili which is too spicy, and with some turmeric, and this is fried, boiled and fried. It's amazing. Because of the naga chili, it's like too spicy. It tastes like a prawns. It feels like a prawns in your mouth. But it's really good. It's a full of fleshy. पहले मुझे भी लगा कि इसका मैं bite लूँगा, दांतों के बीच में चबाऊँगा, इसका taste कैसे आएगा? जैसे मैंने उसका बाइट किया, जो टेस्ट आया ना, मतलब मैं यही कहूंगा कि आओ नागालैंड, मस्ट ट्राई। इस कीड़े से अगर आपको डर लगता होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको खा नहीं सकता, पर आप इसे खा सकते हो। ये है ग्रास हॉपर, ऑब्वियसली ये भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। How's it feel, Sushant? You want beer? See his expression actually. Expression से आप पता चल गया होगा आपको, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताना है। किसी जश्न में नागास क्या खाते होंगे? तो ये देखिए, जब हमने यहाँ के मेजोमा गांव में स्टोन पुलिंग सेरेमनी अटेंड की थी। अभी हमारा लंच हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, जो भी था सब ले लिया।
So there is a few delicacies here. There's a rice, dal, and pork. Mithun. Yeah, that's called mithun. Jungli and normal pork. Mithun. And some veggies. And this is fish. And what? Something. Yeah, bamboo shoots. Yes. So this is our lunch now. And that's our host. Yeah, this is nice. Yeah, it's good. Host kabhi. Haan, it's a host here. Yeah. Alright, okay. They got shy. It's actually tasty. This is black rice, correct? That's a red rice. Red rice. Yeah, it's good. Yahan non vegetarian ke liye kafi options hai. बस क्या खाए क्या ना खाए ये आपका मन डिसाइड करेगा। नागालैंड में मीट बहुत कॉमन है और मैं जहाँ यहाँ पे जब आ रहा था तो सोच के आया था कि इस बार मैं पक्का ट्राई करूँगा, तो मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया है। कैसा है? दिस इज सुपर्ब। कलम ने एक जगह पे खाया था मिथुन। मिथुन इज लाइक अ बफेलो, टेस्ट सेम लाइक दैट, इज वेरी टेस्टी एंड इट गोज वेल विद द राइस बियर। So I recommend people that who comes here, definitely try it. If you are not so much into it, but at least try one piece and you will love it. Melvin की बात मैंने दिल पे ले ली है, अभी मैं ज़ुबान पे लेने वाला हूँ। पता नहीं हजम होगा कि नहीं होगा। Take it in open heart, man. Actually मुझे लगा कि बहुत wet taste होगा। नहीं। लेकिन ये actually एक नंबर। आपको नॉनवेज खाना है पर कुछ ढंग का, तो फिर चिकन और फिश के ऑप्शंस भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। बस हम खाए जा रहे लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ वेट नहीं खा रहे। ये स्मोक फिश है और टोमेटो की चटनी है इसमें। ये फिश है, कैबेज है, राइस है। तो इस वीडियो में मैं यही अलविदा कहता हूँ। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।